आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल के मकनपुर एवं कचहरी रोड में शाखा में आज धूमधाम से 75वां स्वतंत्रता दिवस का आगाज किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक अरविंद कुमार सिंह ने विधिवत झंडारोहण कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, जिससे छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत समूह राष्ट्रगान, समूह नृत्य और समूह गान से लोग मंत्रमुग्ध हो गए। बीते दिनों में विद्यालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल द्वारा सम्मानित भी किया गया। साथ ही स्कूल में अपनी बेहतर अनुभव और शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों को भी स्कूल प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा छात्र द्वारा प्रस्तुत शहीद भगत सिंह पर आधारित नाटक एवं पूरे स्कूल प्रांगण में लहराता हुआ तिरंगा झंडा, जिससे न केवल सभी का मन मोह लिया बल्कि बच्चों में छिपी प्रतिभा, रुचि, कलात्मक और रचनात्मक का भी प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का समापन प्रधानाचार्य द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। स्वतंत्रता दिवस का 76वां हम लोगों ने मनाया है और बहुत ही धूमधाम के साथ हम सभी टीचर्स, बच्चे, पेरेंट्स सब लोग मिलजुल कर मनाया है। और आपने देखा होगा कि बच्चों ने एक से एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, देशभक्ति गीत, देशभक्ति नृत्य और बच्चों के स्पीच से पूरा का पूरा वातावरण गुंजायमान होगा। मैं कहना चाहूँगा कि आज के युवाओं के पास अपार शक्ति है, इनर्जी है, स्टेमिना है, डायनामिज्म है, पोटेंशियल है और इसको सही तरीके से यूज करना पेरेंट्स और टीचर पर डिपेंड करता है। क्योंकि हम लोग 75वें साल में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाला जो 25 साल होगा भारत के लिए अहम होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 25 सालों में हम लोग भारत को एक सशक्त राष्ट्र रूप में देखना चाहेंगे। आप सभी को जानकारी है कि अभी हम चौथे पोजीशन पे हैं और इकोनॉमिक स्थिति में हम पाँचवें पोजीशन पे हैं। और मैं खास करके ये चाहता हूँ, युवाओं का आह्वान करता हूँ कि आप सभी पॉजिटिविटी से भरपूर हैं और आप सभी ऐसे काम करें कि हमारा देश नंबर वन पोजीशन पे आए। आने वाले 25 सालों में जब हम लोग स्वतंत्रता दिवस का 100वां साल मना रहे होंगे तो उसमें भारत को नंबर वन पोजीशन पर देखना चाहता हूं और एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहता हूं, जो कि हर क्षेत्र से विकसित होगा, नंबर वन पोजीशन पर होगा। चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे वो हमारा टेक्निक का फील्ड हो, चाहे वो हमारा स्पेस का फील्ड हो, चाहे वो हमारा साइंस का फील्ड हो, चाहे वो हमारा इंडस्ट्री का फील्ड हो, हर फील्ड में भारत को नंबर वन पोजीशन पर देखना ये मेरी अंतिम अभिलाषा है, ख्वाहिश है। मैं युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा कि आप अपने पसंद के क्षेत्र को चुनें और उसमें एक्सेल करें। साथ ही साथ मैं हर एक हाथ को काम मिलना चाहिए और मोदी जी ने जो कहा है कि खासकर स्किल पे डेवलपमेंट पे उन्होंने ये बात कही है और मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि आप डोंट ट्राई टू बी ए जॉब सीकर, यू ट्राई टू बी ए जॉब प्रोवाइडर। आप जॉब प्रोवाइडर बनिए, लोगों को रोजगार दें ताकि हर हाथ में रोजगार हो और हर हाथ में तिरंगा हो, यही मेरा सपना है। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharshareef.com। नालंदा विद्या मंदिर, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, दिस स्कूल इज एफिलिएटेड फ्रॉम CBSE। आपके शहर में अनोखी सुविधा के साथ आधुनिक तकनीकों से लैस मदर टेरेसा हाई स्कूल, जहां बच्चों को मिलती है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अनुशासन, खेल, विज्ञान, संगीत जैसे कई क्षेत्रों में संपूर्ण ज्ञान। 03 पर